नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूँ राकेश। बिहार में एक बार फिर से सत्ताधारी दल पर विपक्षी पार्टी भारी होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला। इस बार बेरोजगारी के मुद्दे को घेरते हुए सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने ट्विटर से अटैक किया है। आपको बताते चले कि आज सुबह उन्होंने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बेरोजगारी को लेकर बड़ा ट्वीट किया। कुछ फोटो भी उन्होंने उस पर अपलोड किए। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार की जनादेश वाली चोरी वाली डबल ट्रेन डबल इंजन सरकार के जन विरोधी निर्णयों के कारण लाखों बेरोजगार युवा साथी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी जी बताएंगे कि उन्होंने बिहार को बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बनाया? वो कभी बेरोजगारी पर क्यों कुछ नहीं बोलते? इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने कुछ फोटोग्राफ्स भी ट्वीट किया है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फोटो है तकरीबन, और सातों फोटो में वो फोटो दिखाया जा रहा है जब ये कुछ दिन पहले का फोटो है जब कई हजारों की संख्या में जो छात्र हैं रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और ट्रेन की इंजनों तक जो है पूरी तरह से जो स्टूडेंट्स वो फुल हो चुका था और सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर ये जाने वाले थे। और तब ये जो भीड़ है इस भीड़ को देखकर सोशल मीडिया पर भी ये फोटो जमकर वायरल हुआ था। इस फोटो को टैग करते हुए ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। बिहार में बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें चले कि तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं, बिहार सरकार पर हमले बोल रहे हैं। इसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने जिस तरह से मुजफ्फरपुर बालिका कांड को लेकर नीतीश कुमार को दोषी ठहराया था और उस पर कई तरह के आरोप लगाए थे। एक दिन पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मुजफ्फरपुर बालिका बलात्कार कांड राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय मुद्दा है। कैसे अनाथ लड़कियों के साथ सत्ता संपोषित व संरक्षित सामूहिक दुष्कर्म किया जाता रहा और सीएम उसे लगातार फंड करते रहे, उसके घर जाते रहे। इसके साथ तेजस्वी आगे ये भी लिखते हैं कि मुजफ्फरपुर में सरकारी संरक्षण में 34 बच्चियों के साथ सत्ताधारी सफेद पोशों द्वारा वर्षों तक सामूहिक बलात्कार की घटना उजागर होने पर पूरे देश में हाहाकार मचा था। देश की रूह कांप उठी थी। उस पर अब सीबीआई द्वारा सीएम और मंत्रिमंडल में शामिल उनके परम शिष्यों को बचाने की कोशिशें हो रही है। और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर ट्वीट किया एक दिन पहले। मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार पीड़ित 34 बच्चों ने बताया था कि उनकी 2-3 साथियों की जघन्य दुष्कर्म के बाद दरिंदगी से हत्या का शव वैसी कंपाउंड में गाड़ दिए गए। और तेजस्वी यादव यही नहीं रुक रहे हैं, एक से एक लगातार वो नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहे हैं, चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, ऐसे में विपक्ष कई तरह के मुद्दों को एक साथ लाकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश हो रही है, मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मुद्दे को जितना भुनाया जाएगा उतना ही उन्हें सियासी फायदा भी मिलेगा और हो सकता है कि चुनाव के समय जाकर कुछ समीकरण बदले और तब जाकर जनता उनके प्रलोभन में आए, और ये कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से जारी रहेगी। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव को आरजेडी ने अपना मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो घोषित कर दिया है। हालांकि बात ये भी सामने आ रही है कि महागठबंधन में इसे लेकर एकता नजर नहीं आ रही है, यानी कि अन्य दलों का कहना है कि आरजेडी ने बिना सहमति लिए किसी घटक दलों से बिना पूछे आरजेडी के जो नेता है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया, जो कि गलत है। हालांकि ये ट्वीट का वार कब तक रुकता है और महागठबंधन क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है महागठबंधन में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वक्त जिस तरह से ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि जेडीयू की तरफ से इस ट्वीट का जवाब कैसे आता है। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।